ऋषभ की होगी मौत और हो जाएगा ऋषभ का एक्सीडेंट और अब हमें नहीं दिखेगा ऋषभ। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषभ अचानक से अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जा रहा होगा, तभी शैलिन पृथ्वी को जेल में से मिलकर लूथर हाउस आएगी, जहाँ पर ऋषभ को सामान पैक करके जाते हुए देख शैलिन काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और इसी मौके का फायदा उठाकर शैलिन अपनी असली सच्चाई किसी के सामने न आए और ऋषभ कभी वापस घर लौटकर न आए, इसके लिए ऋषभ को जान से मारने का प्लान बनाएगी। लेकिन जब प्रीता शैलिन से पूछेगी कि ऋषभ को क्या हुआ और ऋषभ ऐसे क्यों जा रहे हैं, तब शैलिन कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन सोनाक्षी को पता चल जाएगा कि ऋषभ शैलिन की वजह से जा रहा है। लेकिन ऋषभ की मौत तब होगी जब ऋषभ अपना सारा सामान पैक करके कहीं दूर अपने रिसोर्ट में जा रहा होगा, तभी शैलिन ऋषभ को रोके बिना अपने कमरे में चली जाएगी और अपने ट्रक वाले आदमी सीरियल किलर को फोन करेगी और कहेगी कि ऋषभ लूथरा को जान से मारना है, चाहे तुम उसका एक्सीडेंट करो या फिर कुछ भी करो, मुझे उसका अभी के अभी मरा हुआ चेहरा देखना है क्योंकि अभी वो घर से बाहर गया है और वो वापस लौटकर नहीं आना चाहिए। यह सुनकर सीरियल किलर ऋषभ को जान से मारने के लिए हाँ कह देगा, लेकिन इसके लिए सीरियल किलर शैलिन से ट्रिपल पैसे मांगेगा, जिस वजह से शैलिन सीरियल किलर को कह देगी कि तुम्हें जितने रुपए चाहिए उतने मिलेंगे, लेकिन पहले मुझे ऋषभ का मरा हुआ चेहरा देखना है। यह सुनकर ट्रक वाला सीरियल किलर शैलिन को कह देगा कि ओके मैडम, आपका काम हो गया समझो, जिस वजह से ऋषभ को जान से मारने के लिए वो सीरियल किलर ऋषभ जहाँ से जा रहा है वहीं पर बीच रास्ते में अपना ट्रक लेकर खड़ा होगा और ऋषभ अपनी कार में सारी पुरानी यादों को याद करते हुए और आंखों में आंसू लिए जब पहाड़ी की खाई के पास रिसोर्ट में पहुंचने वाला होगा, तभी वो ट्रक वाला सीरियल किलर ऋषभ की कार को जोर से टक्कर मार देगा और ऋषभ की कार सीधे खाई में जाकर गिरेगी और कार के भयंकर रूप से गिरने की वजह से ऋषभ अपनी जिंदगी और मौत के बीच तड़पेगा। लेकिन जब वहाँ आसपास के लोग एक्सीडेंट वाली खाई में गिरी कार को देखेंगे, तभी वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाएंगे और पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच के ऋषभ को रेस्क्यू करेंगे और एम्बुलेंस में ऋषभ को ले जाएंगे। लेकिन जब लूथरा उसमें खबर पहुंचेगी कि ऋषभ की कार का एक्सीडेंट हो गया है, तब करीना बुआ प्रीता और करण के होश उड़ जाएंगे और सभी लोग हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल के अंदर ऋषभ अपनी जिंदगी और मौत के बीच तड़प रहा होगा और शैलिन सिर्फ ऋषभ के मरने की दुआ करेगी और करीना बुआ के सामने रोने का नाटक करेगी। लेकिन बहुत बुरी खबर होगी कि जब डॉक्टर ऋषभ का ऑपरेशन करके करीना बुआ प्रीता और करण के सामने आएंगे, तब काफी दुखी होकर कहेंगे कि आई एम सॉरी, हम ऋषभ को नहीं बचा पाए। यह सुनकर करण को काफी बड़ा शॉक लगेगा और करीना बुआ और प्रीता के होश उड़ जाएंगे और राखी माँ और महेश लूथरा अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन शैलिन काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और मन ही मन कहेगी कि ऋषभ लूथरा, तुमने मुझसे पंगा लिया था ना, तो अब देखो तुम इस दुनिया में ही नहीं रहे और तेरा बाप भी इस दुनिया में नहीं रहता, लेकिन अफसोस कि वो बच गया था, लेकिन तू तो गया। ये सब शैलिन अपने मन ही मन कहेगी। लेकिन ऋषभ की बड़ी मौत के बाद कुंडली भाग्य की कहानी को कुछ महीने आगे बढ़ा दिया जाएगा और लेकिन शैलिन की सच्चाई का रास बनकर ही रह जाएगा और सूत्रों के अनुसार कुंडली भाग्य की कहानी को आगे बढ़ा देने के बाद आपको कुछ कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेंगे, जिसमें कंफर्म न्यूज आई है कि ऋषभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऋषभ की मौत हो जाएगी और शैलिन की सच्चाई सामने नहीं आएगी और ऋषभ आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और ऋषभ की मौत होनी चाहिए क्या नहीं और किसे किसे आप देखना नहीं चाहते, ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताए और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।